हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है हमारा दूसरा दिन इन गणपति पुले और अभी हम मॉर्निंग में वॉक करते हुए जा रहे हैं टुवर्ड्स अवर रेस्टोरेंट फॉर ब्रेकफास्ट। सो गाइस, हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं हमारे आसपास के बीचेस एक्सप्लोर करने। तो सबसे पहले हम आए हैं यहाँ पे मालगुन बीच, जो कि हमारे होटल से जस्ट 1 मिनट की डिस्टेंस पे ही था। सो हमने सोचा पहले यहीं पे आके देखते हैं क्या क्या वाटर स्पोर्ट्स के ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पैरासेलिंग का ऑप्शन था और कोई वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ पैरासेलिंग है। तो किसी को पैरासेलिंग करनी है तो वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हम जा रहे हैं आरेवारी बीच। ये है आरेवारी बीच गाइज, और ये ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के डिस्टेंस पे था हमारे होटल से। यहाँ पे आपको वाटर स्पोर्ट्स में मिलता है जिप लाइनिंग, जहाँ यहाँ पे कपल जिप लाइनिंग है, सिंगल जिप लाइनिंग है और किड जिप लाइनिंग है। तो ये सारे जिप लाइनिंग आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको करना है तो। अब इसके बाद ऑलमोस्ट लंच टाइम हो गया था तो हम जा रहे हैं लंच के लिए। तो गाइस, हम आए हैं ओ फिश सी फूड रेस्टोरेंट फॉर लंच और यहाँ पे बीच व्यू था, मतलब रेस्टोरेंट के सामने आपको बीच व्यू मिलता है और यहाँ पे आपको प्रॉपर महाराष्ट्रियन फिश थाली खाने को मिलेगी। गाइज़, लंच के बाद भी हमारे पास अच्छा खासा टाइम था तो यूटिलाइज़ करने के लिए, तो हमने सोचा कि हम वापस से हमारे प्राइवेट बीच में चलते हैं और वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। और आज का जो एटमॉस्फेयर वो और भी ज़्यादा खूबसूरत था एज़ कम्पेयर टू यस्टरडे गाइज। सो गाइज, हम आ गए हैं हमारे होटल रूम वापस और अभी हम फ्रेशन अप होके बाहर आए हैं टू फ्लाई अवर ड्रोन और देखते हैं कि कुछ अच्छे व्यूज़ मिलते हैं क्या इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी के। ओके, ये चालू हो गया। गाइज, ये है इस होटल का स्विमिंग पूल एरिया जो कि अभी एक्सेसिबल नहीं है। टाइमिंग कुछ 4 o'clock तक ही था, सो अभी शाम हो चुकी है, बट इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल गाइज।
सो गाइज अभी हम आए हैं डिनर करने एंड हमारा दो दिन का ही ट्रिप था. सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग गाइज. आई होप यू लाइक इट एंड अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाना. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक ले बाय बाय सी या.